हेलो गाइस, तो आज बनाएंगे लुबना किचन में मज़ेदार से नमक पारे, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में और बिल्कुल आसान तरीके से हम बनाएंगे। और ऐसे बनेंगे कि आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि हमने बाहर से नहीं मंगवाए। उसके लिए हमने लिया है 2 कप मैदा, 100 ग्राम हमने घी लिया है, उसको गर्म कर लिया है। नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करा करें। और अजवाइन लिया मैंने 1/2 टीस्पून, और 100 ग्राम ही मैंने पानी लिया है। जो गरम करा हुआ घी है वो हम किसी खुले बर्तन में डालेंगे। अब हम इसके अंदर नमक भी ऐड कर देंगे। इस मेथड से ये होगा कि आपके जो नमक पारे हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और पानी जो हमने 100 ग्राम लिया है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे आधा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने जो है इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, पानी, घी और अजवाइन और नमक को। अब हम इसके अंदर मैदा डालेंगे जो कि है 2 कप। और अब हम इसको इस तरह गूंदेंगे कि मैदा और घी और पानी को हम इस तरह मसल मसल के गूंदेंगे कि ब्रेड क्रम्स की जो है वो शक्ल बन जाए। बिल्कुल इस तरह देखिए मसल मसल के गूंदेंगे। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही गूंदिएगा, इससे जो है आपके नमक पारे बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल जो है वो हलवाइयों जैसे बनेंगे। और पानी जो है वो आप जो है बिल्कुल इस तरह डालिएगा कि आराम आराम से पानी डालना है, जैसे थोड़ा थोड़ा सा ही डाल डाल के आपको गूंदना है। और इसकी डो जो है वो थोड़ी सख्त बनेगी। इसी तरह से आप लोग भी गूंदिएगा, पानी डालने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करिएगा। ये देखें, हमें इस तरह की डो चाहिए, सख्त होनी चाहिए। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसको अच्छे से और गूंद लेंगे। आप लोग भी इसी तरह ही गूंदिएगा। अब हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ताकि हमें जो है वो इसको बेलने में आसानी हो। और पानी देखिए हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही लगा है जितना मैंने आपको दिखाया था। और इसको हमने अच्छे से 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइड करके रख लिया है। अब हमने इसको 15 मिनट की रेस्ट के बाद हम इसको बेलेंगे। अगर आपकी रोलिंग पिन के ऊपर ये जो है डो चिपक दिए तो आप थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेंगे, लेकिन ना कटिंग बोर्ड के ऊपर मैदा आप नहीं डस्ट करिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ डो के ऊपर मैदा डस्ट करिएगा। और इसको बारीक सा बेलना है हमें, बहुत बारीक भी नहीं बेलना और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है। इतना ही बेलिएगा जितना मैं बेल रही हूँ। अब हम इसको जिस तरह नमक पारों की शेप होती है ना, उसी तरह इसको कट कर लेंगे। मैं छुरी की मदद से कर रही हूँ, आप पिज़्ज़ा कटर से भी कर सकते हैं, उससे भी और अच्छा होता है। इसी तरह आपको प्यारे प्यारे से कट्स लगाने हैं इसके अंदर। अब हम इसको इस तरह से भी कट कर लेंगे, बिल्कुल नमक पारों की शक्ल बन जाएगी। अब हम इसको जो है रोलिंग सरफेस से इस तरह इसको हटाएंगे। तो ये देखें, आपको लग रहा होगा कि कितने मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। ये देखें, पता चल रहा होगा कि आटा कितना अच्छा गूंदा हुआ है और घी की क्वांटिटी और पानी की क्वांटिटी भी बहुत ज़बरदस्त डली हुई है इसके अंदर। अब हमने जो है वो तेल, घी जो है वो मैंने घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैंने घी जो है वो गर्म कर लिया मीडियम फ्लेम पर, और इतना ही हमारा घी जो है गर्म होना चाहिए। मैंने एक ट्राई करके देखा है। अब हम अपने सारे नमक पारे उसके अंदर डालेंगे। इस टाइम हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम है, और हम अब इसको जो है थोड़ा सा चलाएंगे। तो ये देखें, हमारे जो नमक पारे हैं वो बिल्कुल सही शेप में आ जाएंगे दोबारा से। और अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर जो है हमारे नमक पारों का आ जाए। ये देखें, बिल्कुल इस स्टेज के ऊपर हम अब इसको नमक पारों को डिश आउट कर लेंगे। तो हमारे हलवाई स्टाइल नमक पारे बिल्कुल रेडी हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करा करें, उससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। देखें गाइस, कितने मज़ेदार और ख़स्ता बने। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।